रिकॉन्सिलिएशन का कॉन्सेप्ट बच्चों, हम बनाते हैं बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट बनाने में क्या हुआ होगा, बजटेड क्वांटिटी ली गई होगी सेल की और उसको बजटेड सेल रेट से मल्टीप्लाई किया होगा। इसी तरह से लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल एफओएच, फिक्स एफओएच, ये सब इनमें बजटेड क्वांटिटी आई होगी और इनके बजटेड रेट्स आए होंगे और हमारे पास आ गया होगा एक अदद बजटेड प्रॉफिट। हमें इस बजटेड प्रॉफिट से इसको अपने एक्चुअल प्रॉफिट पर लेकर जाना है। वी हैव टू रीच एट एक्चुअल प्रॉफिट। और वो पहुंचाएंगे हम थ्रू वेरिएंसेस। बजटेड प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होगी एज पर अकाउंटिंग और जितने भी मेरे फेवरेबल वेरिएंसेस हैं वो क्या होंगे, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, मेरे फेवरेबल वेरिएंसेस ऐड अप होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने बजटेड क्वांटिटी सेल की अज्यूम की थी कि ये मैं 1000 सेल कर पाऊंगा और इसका रेट होगा 20 रुपये, और मैंने कर दी 1200 की क्वांटिटी सेल और 20 रुपये के ऊपर ही की से क्वांटिटी बढ़ गई, तो मेरा सेल की क्वांटिटी का एक वेरिएंस आएगा जो कि फेवरेबल होगा, तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मैंने एक वेरिएंस लिया, तो फेवरेबल वेरिएंस मेरा सेल्स का वेरिएंस हो या कॉस्ट का वेरिएंस हो, जो सा भी होगा जो फेवरेबल वेरिएंस होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता, और जो एडवर्स वेरिएंस होंगे उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट एक्चुअल में क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेल की अगर मिसाल लूं, मैंने बजट 1000 का किया था और मैं बेचता हूं इसे 900, तो इसका मतलब है मैंने कम बेचा, मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा, तो जो एडवर्स है वो क्या हो जाएगा, मेरे प्रॉफिट को कम कर देगा और उसे मैं डेबिट कंसिडर करूंगा, तो ये लेस हो जाएगा और मैं पहुंच जाऊंगा एक्चुअल प्रॉफिट पर। ये चाहे भले आपके वेरिएंसेस हों कॉस्ट के, चाहे सेल वेरिएंसेस हों, तमाम के तमाम वेरिएंसेस आपको लेने। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एक फिक्स एफओएच का वेरिएंस होता ही नहीं है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है और वॉल्यूम वेरिएंस होता ही नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो बस उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में वो चीज़ नहीं आएगी, और कुछ क्वांटिटी का डिफरेंस का, क्वांटिटी का रेट का एक फ़र्क आएगा। मसलन बजटेड प्रॉफिट के अंदर मैंने फिक्स एफओएच शामिल किया होगा लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्वांटिटी के ऊपर जो रेट लगा होगा वो कुछ और लगा होगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी एक एडजस्टमेंट छोटी सी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आएगी बस, बाकी कहीं पे नहीं आएगी। तो इन मार्जिनल कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक विल इफेक्ट एंड फिक्स्ड एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस वुड नॉट बी अवेलेबल इन मार्जिनल कॉस्टिंग, बस ये वाली चीज हमारा फर्क आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट लें, अगर मुझे कहा जाए कि बजटेड एक्सपेंडिचर को रिकंसाइल कर दिया जाए एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स,
अब बजटेड एक्सपेंडिचर मींस ये सारी की सारी कॉस्ट, ओनली कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल। तो इसका किस तरह से बजटेड एक्सपेंडिचर कैसे आए होंगे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच, ये बजटेड किए होंगे। तो वो सारे के सारे बजटेड एक्सपेंडिचर होंगे। और उनकी नेचर क्या होती है, एक्सपेंडिचर की नेचर डेबिट होती है, और डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है। तो यहां पर लॉजिकली क्या होगा, आपके एडवर्स वेरिएंसेस जो हैं वो बेसिकली डेबिट हो रहे होंगे, तो वो ऐड होंगे, और आपके फेवरेबल वेरिएंसेस जो होंगे वो क्रेडिट होते हैं, वो लेस हो रहे होंगे। तो ये बायोलॉजिकली आपने लेकर चलना है कि, और देखना है आपको एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस का कहा है, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर के साथ रिकंसाइल करने का कहा है, या प्रॉफिट को प्रॉफिट के साथ रिकंसाइल करने का कहा है। तो प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, उसमें क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। और जो एक्सपेंडिचर वेरियंस होंगे उसके अंदर अगर रिकंसिलेशन करनी है बजटेड एक्सपेंडिचर को एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, तो डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, तो आप दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे।